तो हेलो दोस्तों, मैं संदीप गौड़ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आरएफ संजय की एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सब लोग एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है वो आप सभी की डिमांड को मद्देनज़र में रखते हुए ही होने वाला है। तो आप सबकी काफ़ी टाइम से हाई डिमांड आ रही थी कि भाई जोधपुर जंक्शन पे इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट दीजिए, जोधपुर जंक्शन की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट दीजिए एंड यहाँ पे ई लोगों से पैसेंजर ट्रेन कब से संचालित होने वाली है उसके बारे में कुछ अपडेट दीजिए एक्सेट्रा। जो भी आपके न्यू डिटेल्स या जो आपकी डिमांड्स है उन सबको मैं मद्देनज़र में रखते हुए आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो के दौरान मैं आप सबको कुछ एडिशनल चीज़ें ही बताने वाला हूँ, तो आप सबसे विनम्र अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा एंड तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज़ चाहूँगा कि आप सब लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मेरी जो भी रेल अपडेट्स या रेल न्यूज़ या जो भी मेरी कमिंग जर्नीज होती है वो मैं इंस्टाग्राम पे सबसे पहले शेयर करता हूँ ताकि आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अपडेट की तरफ। और अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं 2 बार जोधपुर जंक्शन से लाइव स्ट्रीम कर चुका हूँ और उस लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको जोधपुर जंक्शन की इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बता रखा है। तो उस लाइव स्ट्रीम में मैंने उसको दिखाया था कि जोधपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही जो वायरिंग और जो पोल्स लगाने का काम है वो हुआ था, जबकि 3, 4 और 5 प्लेटफॉर्म पे जो भी ये इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित काम था वो हुआ नहीं था। लेकिन अभी जुलाई के मंथ से पहले यानी जून के एंड तक जो फाउंडेशन जो काम होता है प्लेटफॉर्म पर करने का वो अभी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। तो इन शॉर्ट बोला जाए तो 3, 4, 5 पे अब फाउंडेशन का काम स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ पे अब इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो अब धीरे धीरे आपको अब दिखने लग जाएगा। तो ये तो थी कुछ साधारण सी बात जो मेरे को आप सबके साथ शेयर करनी थी। तो अब बात करी जाए कि ट्रेनों को अभी तक ई लोगों से संचालित क्यों नहीं किया गया, तो इसका रीज़न जहाँ तक मैं जानता हूँ पर्सनली, तो हो सकता है कि जोधपुर पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास में 2 लाइन है जहाँ पे जो भी लोकोज आते हैं वो यहाँ पे रेस्ट करते हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम था वो हुआ नहीं था, जिस वजह से शायद यहाँ पे ई लोगों से अभी तक ट्रेनों का जो संचालन है वो हुआ नहीं था। जैसा कि आप ये पिक में देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोल्स है वो यहाँ पे लगाए नहीं गए थे। तो इन दोनों लाइन पे इलेक्ट्रिक पोल्स जो है वो लगाए नहीं गए थे, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम था इन 2 लाइन्स पर नहीं हुआ था। और अगर बाई चांस ई लोगों से अगर ट्रेनें यहाँ पर संचालित हो जाती मार्च के महीने में, तो कम से कम इनको प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही इनको यहाँ पे खड़ा रखना पड़ता, या फिर ई लोगों को डीकपल करके डीजल लोगों के साथ अटैच करके किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे ये लोग रखते थे। पर अब बात अलग हो गई है, जोधपुर जंक्शन पे जो 2 लाइन थी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, वायरिंग और पोल्स लगाने का काम है वो यहाँ पे कंप्लीटेड कर दिया गया है, जैसा कि आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये तो थी जोधपुर की लेटेस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट जो भी अभी मैंने आपको दी, और होप सो जो मेरा अंदाजन है ये यही हो जिस वजह से अभी तक जो ई लोगों से यहाँ पे जो संचालन है वो हुआ नहीं है। और आपको एक और बात बता दूँ कि यहाँ पे ई लोगों के साथ काफ़ी ट्रायल हो चुके हैं, मतलब सिंगल सिंगल लोकोस जो है यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं मालगाड़ी के साथ, जो ई लोगों का साथ संचालन है वो चल रहा है। और ये जो संचालन है ये भगत की कोठी से चल रहा है, तो मतलब भगत की कोठी से मारवाड़ के बीच में जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं मतलब लोकोज है वो आराम से रन कर पा रहे हैं। और तो ये यहाँ पे पैसेंजर ट्रेनें कब से चलने वाली है इसका पता भी मैंने एक जने से लगाया है जो कि लोको पायलट है खुद जोधपुर से, तो मतलब अभी इनको भी क्लियर नहीं पता कि पैसेंजर ट्रेनों को कब से ई लोको यहाँ पे मिलने वाला है। बस इन्होंने यही कहा कि जल्द ही यहाँ पे जो ई लोको के साथ जो पैसेंजर ट्रेनों का है वो संचालन होगा। तो ये तो बात थी बस जोधपुर जंक्शन के डिटेल इलेक्ट्रिफिकेशन को लेके। ना अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं जोधपुर के सब अर्बन स्टेशन यानी रायकाबाग की बात करते हैं। तो रायकाबाग पे जैसा कि आप सब जानते हैं कि फाउंडेशन का जो काम था वो चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे जो फाउंडेशन के साथ साथ यहाँ पे पोल्स जो लगाने का काम है वो भी पूरा हो चुका है। तो कैसी लगी न्यूज़? इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर रेलवे यानी जोधपुर रेलवे को ज़्यादा ही सीरियस हो गई है, मतलब पूरी दिमाग में सोच रखा है कि जोधपुर को जितना जल्दी हो सके इलेक्ट्रीफाइड कर दें। तो रायकाबाग पे आप देख सकते हैं जो काम है वो कैसा चल रहा है।
तो इलेक्ट्रिफिकेशन, अब रायकाबाग का भी नंबर आ चुका है कि रायकाबाग पे जो पोल्स लगाने का काम है वो पूरा हो चुका है, बस अपर हेड जो पोल्स है वो लगाना भी बाकी है, जो कि आपको जल्द ही रायकाबाग रेलवे स्टेशन पे भी दिखने लग जाएंगे। तो ये तो थी जोधपुर जंक्शन और रायकाबाग जंक्शन की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट ना। अब जोधपुर जयपुर रोड पर बढ़ ही चुके हैं, तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाई देता हूँ इसी बार में। तो जैसा कि आप सबने देख ही लिया होगा कि ये जो स्टेशन था वो था डेगाना जंक्शन, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो पोल्स लगाने का काम है, जो कि पहले नहीं हुआ था, यहाँ पे अब स्टार्ट हो चुका है पोल्स लगाने का काम। तो डेगाना मकराना के बीच में जो भी आपने पोल्स लगाने का काम देखा था वो छोटे मोटे इंटरमीडिएट स्टेशन पर दिखे थे ना, अब जंक्शन पर भी जो पोल्स लगाने का काम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ना अब डेगाना में भी अब इलेक्ट्रिक पोल्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे, तो डेगाना से लेकर बोरावट तक जो इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क है वो 75% कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आज की इन्फॉर्मेशन को करते हैं यहीं पे पॉज, और मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट जल्द ही न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। और आशा करूँगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट।